नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल। युद्ध पोतों के निर्माण क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल भारत। प्रधानमंत्री ने बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक। 8 वर्षों में भारत में पोर्ट क्षमता हुई दोगुनी। प्रधानमंत्री ने न्यू मंगलुरु पोर्ट को दी 3,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा विकसित भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया के विस्तार की जरूरत। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच का आदेश बरकरार। कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच का फैसला। मामले में धन के लेन देन की जरूरत पड़ने पर होगी जांच। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक के भाग्य का फैसला आज। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के मतदान का आखिरी दिन। विजेता उम्मीदवार के नाम की सोमवार को होगी घोषणा। और कल्याण चौबे बने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। 85 साल के इतिहास में पहली बार पूर्व खिलाड़ी को मिला मौका। मुकाबले में बाईचुंग भूटिया को हराया। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण को SEIAA यानी स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। इस एनक्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत होने पर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा, जिससे वो भावनात्मक आघात से उबर सके। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,168 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 59,210 रह गई है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफी कंपनी स्टारबक्स का अगला सीईओ नामित किया गया है। अभी वो ब्रिटेन की स्वास्थ्य और पोषण कंपनी रैकेट बैंकाइजर के सीईओ हैं। पाकिस्तान में अगस्त माह में महंगाई के रिकॉर्ड 27.3% पर पहुंचने और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उबाल से सामाजिक विरोध और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये चेतावनी दी है। म्यांमार की एक अदालत ने देश की अपदस्त नेता आंग सान सूची को चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता का दोषी करार दिया है। उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस सजा के साथ ही अब उन्हें जेल में 17 साल काटने होंगे। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनके समर्थक अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि वो चालू वित्त वर्ष में अपनी स्थायी इमिग्रेशन सीमा को 35,000 से बढ़ाकर 1,95,000 करेगी। देश कौशल और श्रम बल की कमी से जूझ रहा है। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस की हत्या करने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति ने उन पर पिस्तौल तान दी थी। संदिग्ध व्यक्ति को घटना के बाद हिरासत में ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निक कारगियोस पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर के मैच के दौरान खेल भावना के विपरीत व्यवहार करने के लिए $7,500 का जुर्माना लगाया गया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोची में देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा जहाज और स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
जो देश जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को बेड़े में शामिल करने के मौके पर एक फलक का भी अनावरण किया। नौसेना के एक नए निशान का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को त्याग दिया है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की बंदरगाह क्षमता पिछले 8 सालों में दोगुनी हो गई है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण बताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में जनसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया का विस्तार किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रिमोट कंट्रोल के जरिए करीब 3,800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण और औद्योगीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें न्यू मंगलुरु बंदरगाह के बर्थ नंबर 14 के मशीनीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने बंदरगाह प्राधिकरण की करीब 1,000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और UAE के विदेश मंत्री शामिल हुए। दोनों देशों ने भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किसी भी देश में तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्मों को जोड़ने की संभावना पर भी चर्चा की। इसके साथ विभिन्न बहुपक्षीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से इस साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने फिनटेक, एडुटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। UAE में रह रहे लगभग 35 लाख भारतीय वहां के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में CBI जांच कराने के आदेश को बरकरार रखा है। बेंच ने एकल पीठ को CBI जांच की निगरानी करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में धन के लेन देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश एकल पीठ के समक्ष मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा। वहीं स्कूल सेवा आयोग के नियुक्ति घोटाले में कथित धन के लेन देन की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। मैक्सिको की यात्रा पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष
सेंटियागो क्रेल से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान आपसी महत्व के मामले पर चर्चा की गई। दोनों देशों की संसदों के बीच विचारों के आदान प्रदान और संबंधों को मजबूत होने पर भी बात की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने मेक्सिको के चाम्पिंगो विश्वविद्यालय में डॉक्टर पांडुरंग खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि वो भारतीय क्रांतिकारी, कृषि वैज्ञानिक और गदर पार्टी के संस्थापकों में शामिल थे। लोकसभा अध्यक्ष ने मेक्सिको सिटी के एक पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 85 साल के इतिहास में पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला है जो पूर्व में खिलाड़ी भी रह चुके हैं। कल्याण चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को हराया है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की है। उनकी जीत पहले ही तय लग रही थी। पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में अधिक समर्थन हासिल नहीं था। कल्याण चौबे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। कर्नाटक फुटबॉल संघ के अध्यक्ष एनए हारिस उपाध्यक्ष चुने गए और अरुणाचल प्रदेश के कीपा अजय ने कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। वहीं कार्यकारिणी के 14 सदस्यों का निर्विरोध चुनाव किया गया। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कैथल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज अकेली बीजेपी ऐसी पार्टी है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही है। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने उनके पायलटों की हड़ताल के बीच 800 उड़ानें रद्द कर दी, जिसके बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पंजाब में पुलिस की ओर से हर जिले में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्व ऐसा कोई काम ना कर पाए जिससे हमारे वातावरण में कोई समस्या उत्पन्न हो। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व विवाद पर पार्टी के नेता के पलानीस्वामी की अपील मंजूर कर ली है और ओ पनीर सेल्वम के पक्ष में दिया फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है, साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने और 5 में सहयोग को कहा है। उन्हें गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेज बनाने के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। मुरुधा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुधा शरणारू को छात्राओं के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तबीयत खराब होने के बाद जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों की याद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उन वीर शहीदों के बलिदान की वजह से राज्य का सपना पूरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे के आंकलन को लेकर राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। केरल में एमवी गोविंदन ने मंत्रिमंडल के इस्तीफे की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष एमबी राजेश को मंत्री नियुक्त किया जाएगा। विधायक एएन शमशीर विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने से पहले के समय की तुलना में मामलों को सूचीबद्ध किया है। अदालत ने 4 दिनों में 1293 के भ्रामक मामलों को निपटाया है।
आप कल्पना करते हैं कि अदालतें अब मामलों के निपटारे को अधिक से अधिक महत्व दे रही हैं, ये उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी बलिया समेत कई जिलों में अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि राहत और बचाव के लिए पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में अब गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है और दोनों नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद संबंधित क्षेत्रों से पानी कम होना शुरू हो गया है। वरुणा पार के भी कई रिहायशी इलाकों से पानी निकल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन बाढ़ के पानी के साथ आए गाद और गंदगी से संक्रामक बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 99% से अधिक आबादी WHO के तय मानक PM 2.5 से 5 गुना अधिक खराब हवा में सांस ले रही है। बता दें कि डिफरेंट एयर अंडर वन स्काई शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक देश में 62% गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में रहती हैं, जबकि पूरी आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा 56% का है। रिपोर्ट के वार्षिक औसत PM 2.5 जोखिम विश्लेषण के अनुसार देश में प्रदूषण के सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र दिल्ली NCR है। रिपोर्ट ने वृद्धों, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को खराब हवा के संपर्क में आने वाले सबसे संवेदनशील समूहों के रूप में सूचीबद्ध किया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। बोरिस जॉनसन के स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच दौड़ अंतिम चरण में है। पार्टी सदस्यों के लिए पसंदीदा उम्मीदवार चुनने का आज आखिरी दिन है। दोनों नेता कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों के मत पाने और उन्हें प्रभावित करने के लिए कई बार आमने सामने की बहस कर चुके हैं। ऋषि सुनक अपने अभियान में तत्काल प्राथमिकता के रूप में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही है। वहीं विदेश मंत्री लिज ट्रस ने वादा किया है कि यदि वह प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही करों में कटौती करने का आदेश जारी करेंगी। सुनक अंतिम दो उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी के सांसदों द्वारा किए गए मतदान में जहां ट्रस से आगे थे, वहीं एक सर्वेक्षण में पार्टी के सदस्यों के मतदान में उनके पिछड़ने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री पद की दौड़ के विजेता की घोषणा सोमवार को की जाएगी। ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते पर लौटने के लिए अंतिम मसौदे पर बातचीत के वास्ते लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। हालांकि अमेरिका ने तेहरान के जवाब पर संदेह जताया है। ईरान के विदेश मंत्री नासिर कनानी ने एक बयान में कहा कि बातचीत पर सहमति के मकसद से भेजी गई प्रतिक्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि अंतिम प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के जरिए ईरान की प्रतिक्रिया मिलने की पुष्टि की। अमेरिका के 2018 में समझौते से पीछे हटने के बाद से यूरोपीय संघ अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। स्पेन में होने वाली टोमेटो फाइट यहाँ का बेहद पॉपुलर फेस्टिवल है, जो हर साल स्पेन में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ शामिल होते हैं। तो चलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं टोमेटिना फेस्टिवल की शानदार तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।